5,50,000 रुपीज़। जी हाँ, ये प्राइस है इस बाइक की, एंड दैट इज़ ऑल्सो एक्स शोरूम। अगर आप उम्मीद कर रहे हो तो कि इंडिया में अब जो बाइक्स आएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, इंडिया में बन के आएंगे, वो सस्ते भी होंगे, रेंज भी ज़्यादा देंगे, तो अल्ट्रा वॉलेट जो है उस कैटेगरी की बाइक नहीं है। मैंने आपको आइकमा में जीरो मोटरसाइकिल दिखाई थी, US का ब्रांड था, जिसको टेस्ला से मैं कंपेयर कर रहा था। ये बाइक जो है टेस्ला से तो कंपेयर नहीं की जा सकती है यहाँ पे, लेकिन सोफिस्टिकेशन लेवल जो है वो डेफिनेटली काफ़ी ऊपर है, और इसी वजह से प्राइस भी काफ़ी ऊपर है। दो आपके पास में ऑप्शन होंगे, अगर आपको सबसे लोअर मॉडल खरीदना है तो 3,80,000 शोरूम का आएगा, उसमें बैटरी पैक छोटा है। बट ये जो स्पेक्स आप देख पा रहे हैं, जितने आपको बड़े बड़े नंबर्स यहाँ दिख पा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा रेंज है, इतनी बड़े बैटरी पैक है, इतना आप चला पाओगे, ये पावर फिगर्स है। स्पेशली आप जब इस पर्टिकुलर मॉडल के पावर फिगर देखोगे, जो कि आपको 40 हॉर्स पावर और 100 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो देखने को मिलता है, तो आपको एक्सपेक्टेशन समझ में आ जानी चाहिए प्राइस की क्या होनी चाहिए। एनीवे, मैं आपको बता देता हूँ कि बाइक टच फील करने में कैसी है, क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, सोफिस्टिकेशन कैसा है। चला तो आज मैं पाऊंगा नहीं, लेकिन जब चलाऊंगा तो उसके बारे में और ज़्यादा बात कर लेंगे। फिलहाल क्या कुछ कैसा लग रहा है उसकी बात करते हैं। चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है आपको। अल्ट्रा वायलेट का जो लोगो जो है अबंडेंस में मिलेगा आपको, अलग अलग जगह मिलेगा, अच्छी लगती है एक्चुअली, चाबी बुरी नहीं लगती है। और मैं जो है इसको लगा के आपको बताता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जब आप इसको चालू करोगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसमें अलग अलग चीज़ें अपीयर होगी, और इवेंचुअली आपको F77 जो कि बाइक का मॉडल नंबर है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है, और कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। और राइट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिस पर अभी मैं वापस आऊँगा, वहाँ से आपको जो है प्रोडक्ट लगभग फिनिश सा लगता है, ऐसा लगता है कि इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट ओवरऑल, काफ़ी बढ़िया तरीके से जो दिमाग लगा के बनाया गया, ऐसा नहीं है कि बस इधर उधर ढांचे चिपका दिया गया हो। क्वालिटी एंड एवरीथिंग लुक्स गुड, बट कई जगहों पर जो है ऑब्वियसली आपको एविडेंट होगा कि कहाँ पे जो है थोड़ा सा पार्ट लूज रह गए हैं या समथिंग समथिंग। ऑल्सो द प्राइस पॉइंट जो कि भयंकर ही यहाँ पे लग रही है, उसके हिसाब से जस्टिफाई होते हुए नहीं लगेंगे, बट स्टिल सबसे पहले बात करते हैं आगे की तरफ, क्या आपको कैसा लग रहा है। यहाँ पे हेडलाइट्स है, हेडलाइट्स जो है वो आप हाई बीम लो बीम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और हाई बीम जो है वो इस तरीके से है, लो बीम जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये DRL है बेसिकली, जब आप लाइट चलाओगे तो यहाँ पे सेंसर जो है वो लगा हुआ है, और वो सेंसर जो है बेसिकली डिटेक्ट करता है कि आप दिन में हो या रात में हो, और हिसाब से जो है लाइट यहाँ पे जल जाती है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ा सा डिस्क ब्रेक दिख पा रहा है आपको, और यहाँ पे जो है आपको ये अलॉय दिख पा रहे हैं। अभी अलॉय जो है फ्रंट में भी है और रियर में भी है, हाउएवर रियर में जो है एक एक्सेसरी लगी हुई है, जिसको बेसिकली एरो डिस्क समथिंग कहा जाता है, एरो व्हील डिस्क, और ये जो है इवेंचुअली फ्यूल एफिशिएंसी, जो मतलब फ्यूल तो यहाँ पे है नहीं बट जो रेंज है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, तो उस वजह से ये एक्सेसरी लगी। आप चाहो तो ये जो लिमिटेड एडिशन है इसमें तो मतलब ऑप्शन नहीं है, इसमें लगाओ ही आएगा, बट जो लोअर ट्रिम है उसमें चाहो तो लगवाओ वरना मत लगवाओ, ऐसा ऑप्शन है। यहाँ पे पीछे भी वाइब्रेट ब्रेक्स है, ब्रेक्स की क्वालिटी वगैरह सब बढ़िया लग रही है, कंपनी अच्छी लग रही है, चलाने पे पता चलेगा क्या कुछ कैसा है। यहाँ पे मैं हज़ार लाइट जला के आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से जो है दिख रही है, ओवरऑल क्वालिटी वगैरह ठीक रही। यहाँ से किसी बाइक की याद दिला रही होगी आपको, किस करके बताओ कौन सी बाइक की याद दिला रही है। अब मैं आता हूँ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्विचेस और इन सब चीज़ों में। देखो यहाँ से ग्रिप वगैरह करने में बहुत अच्छी है, ये मिरर्स जो है आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से, ऐसे ही करने पड़ेंगे अंगुली लगा के आपको ग्लास के ऊपर, और कोई तरीका नहीं एडजस्ट करने का। यहाँ पे जो स्विचेस की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, 4 स्विचेस जो है दिए गए हैं आपको नेविगेट करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। ये इंडिकेटर हॉर्न ओके काफ़ी लाउड है एक्चुअली, हज़ार लाइट्स जो है वो आप यहाँ से चला सकते हैं, और हाई बीम लो बीम पास जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो ओरिजिनल है उसमें ये आपको नहीं मिलेगा प्रीलोड एडजस्टमेंट, बट जो रिकॉन है और ये जो आपको टॉप एंड मिल पा रहा है लिमिटेड एडिशन, उसमें आपको मिलेगा। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है, सबसे पहले 3 मोड्स जो है आपको हर गाड़ी में मिलेंगे, कोई सा भी ट्रिम आप खरीद लो, और वो मोड चेंज करने के लिए आपको बेसिकली ये वाला स्विच जो है ये प्रेस करना है। जब आप ये प्रेस करेंगे तो यू कैन ईजिली स्विच द मोड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉम्बैट मोड, बैलिस्टिक मोड, ग्लाइड मोड। ग्लाइड सबसे ज़्यादा रेंज देने वाला मोड है, सबसे कम जो है आपके पास में पावर वहाँ होगी। ये आपके पास कॉम्बैट मोड है और ये आपके पास में बैलिस्टिक मोड है। बैलिस्टिक मोड तभी लगेगा गाड़ी में जब आप 70% बैटरी तक हो, अगर आप 70% से नीचे आ गए हो तो बैलिस्टिक मोड काम नहीं करेगा। बेसिकली ये वो हाइपर मोड वाला सिचुएशन जैसी है, यहाँ पे बाइक बहुत ज़्यादा चलती है बट थोड़े टाइम तक के लिए आप जो है उसको यूज़ कर पाओगे, अगर बैटरी वगैरह जो हीट होने के इशूज आने लग जाएंगे। बट इंटरेस्टिंगली बहुत सारे फीचर्स जो है वो आपको मिलते हैं। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो ट्रिप जो है वो करंटली चेंज हो रही है, यहाँ पे ट्रिप जो है वो दिख पा रहे हो ऊपर, टाइम यहाँ पे आपका बैटरी परसेंटेज, ABS ड्यूअल लिखा हुआ है, आप चेंज करके मोनो भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है My F77 इसमें अगर आप एंटर करोगे तो आपके पास में व्हीकल सीरियल नंबर, मोटर सीरियल नंबर वगैरह जो है वो देखने को मिलता है। नेविगेशन अगर आपको लगाना है, मैप माई इंडिया का यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सा अभी तो लोड नहीं हो रहा है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, जब फाइनल आएगा तब शायद लोड हो जाएगा, अभी तो वो नहीं हो रहा है। बट उसके बाद में यहाँ पे सॉरी मैं पीछे आ गया, माई ट्रिप सेटिंग्स, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में बेसिकली आपको सिर्फ बताता है कि ABS ड्यूअल चैनल सेलेक्ट करना है, और रीजनरेशन लेवल जो है वो आपको लो रखनी है, मीडियम रखनी है, हाई रखनी है, ये बताता है। उसके अलावा ऐसे कोई जो मोड्स वगैरह वो बाहर से चेंज होते हैं, यहाँ से चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आप सेव कर सकते हैं, ब्लूटूथ बैटरी ये दिख रहा है, बैटरी की हेल्थ वगैरह
तरह दिखाता है। आईफोन में देखा आपने कि कितनी बैटरी हेल्थ वगैरह, यहाँ पे बेसिकली उतना नहीं दिखाता हेल्थ, इस जस्ट बताता है कि भैया कंडीशन एक्सलेंट है या नहीं है, और ओवरऑल चार्ज जो है वो क्या है आपका, बैटरी का टेम्परेचर वगैरह क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती है। इसके बाद में बैटरी जब हो गई हो तो मैं वापस आता हूँ सेटिंग्स में। सेटिंग्स में एक्चुअली डिस्प्ले जो है वो ऑटोमेटिक सेट करनी है, नाइट मोड पे रखनी है, कैसे रखनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑटो पे डाल दिए तो अभी दिन इसको सेंस हो रहा है, तो भाई ने दिन पे चेंज कर दी, मैं अभी नाइट पे चला देता हूँ वरना आपको जो है दिखने में प्रॉब्लम होगी। और डिस्प्ले की जो है ओवरऑल ब्राइटनेस आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन हो गई। कुछ और वार्निंग लाइट्स ABS वगैरह की साइड में आप देख ही सकते हो। ABS जो है वो आप ड्यूअल चैनल या मोनो पे जा सकते हो, बंद नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से, और उसका कोई ऐसा सच ऑप्शन नहीं दिया गया है। पावर फिगर्स की बात करें, वेल उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये बैटरी चार्ज करने का ऑप्शन है। फास्ट चार्जर जो है वो सपोर्ट तीनों ट्रिम करते हैं, चाहे आप लिमिटेड ले लो, चाहे आप जो है जो ओरिजिनल वाला ले लो वो, या रिकॉन ले लो, सपोर्ट तीनों करते हैं। बट फास्ट चार्जर जो है वो आपको सिर्फ इस लिमिटेड के साथ में दिया जा रहा है, बाकी आपको खरीदना पड़ेगा। अभी जो है 10 kW दो बैटरी पैक आपके उसमें अवेलेबल है, 10.3 और 7.1 kW के बैटरी पैक्स यहाँ पे है। अब ये जो है इसमें थोड़ी सी पावर ज़्यादा है जो लिमिटेड वाला है, टोटल 77 होंगे ये F77 लिमिटेड, ऐसा कंपनी का कहना है। हो सकता है अगर बिकने लगी गाड़ियाँ तो बाद में कोई और किसी तरीके का यही स्पेक जो है किसी और तरीके के लिमिटेड एडिशन में डाल के दिए जा सकते हैं। हाउएवर लिमिटेड 000 ये वाला वेरिएंट ये नहीं बिकेगी बाइक, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर ये बिकी तो 0 to 77 बिकने में तो 78 हो जाएगी, विच इज़ इंटरेस्टिंग। एनी वे यहाँ पे जो है आपके पास में एक और चीज़ है, आप देख पा रहे हैं कि गार्ड्स जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, और काफ़ी क्लीन है। मतलब ऐसे ये जो इलेक्ट्रिक बाइक आती है उनको दिखती नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें अंदर की शैसी जो है वो भी देख लो। ओके, तो ये नेकेड सिस्टम जो है वो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। आपके पास में यहाँ पे 10.3 kWh की बैटरी जो है वो आप देख पा रहे हैं, पूरा शैसी जो है उस पर बैठी हुई यहाँ पे है। नीचे प्रोटेक्शन जो है वो शैसी की वजह से आता है, ट्रॉली फ्रेम जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ओवरऑल मोटर जो है वो यहाँ आपकी लगी हुई है, और मोटर जो है उस पर लिखा हुआ जो है, नहीं आपको उधर वाली बाइक में दिखाता हूँ कौन सी कंपनी की मोटर है। ये आप यहाँ पे चेन सिस्टम देख पा रहे हैं, और पीछे जो है अलॉयज देख पा रहे हैं। ये मल्टीपल जो है चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है, कुछ कुछ जो है बैटरी कूलिंग सिस्टम जो है वो बना हुआ है यहाँ पे ऊपर के आपके सामने, आप जो है ओवरऑल मोटर का माइंड जो है ECU वो यहाँ लगा हुआ है, और एक और डिवाइस लगा हुआ है जो कि 4G कनेक्टिविटी वगैरह के साथ में काम करता है। जी हाँ, 4G ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्टिविटी जो है वो भी आपको मिलेगी। इधर मैं आपको सिर्फ शैसी वैसी से रिलेटेड चीज़ दिखाने लगा हूँ, तो मैं थोड़ा सा नीचे घुस के आपको यहाँ दिखाता हूँ। इस तरफ ये ब्रेक्स जो है वो आप देख ही पा रहे हैं, और ये चीज़ है मेन जिस तरीके से डेवलप की है इन्होंने, एल्यूमिनियम केसिंग में यहाँ पे है। काफ़ी बड़ा बैटरी पैक है, इंडिया में इतना बड़ा बैटरी पैक के साथ में कोई बाइक वगैरह कुछ नहीं आती है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। 10 kWh की बैटरी पैक है भाई, नाइस। सस्पेंशन रियर में मोनोशॉक है, फ्रंट में ऑब्वियसली अपसाइड डाउन फोक्स जो है वो आपको दिख पा रहे हैं। मेरे बस यहाँ पे जो है चलने की जगह नहीं बची, वापस चलते हैं उस बाइक पे। तो अभी जो है कुछ चीज़ें और बताता हूँ आपको। ये मोटर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आपके पास में डाना TM4 मोटर जो है, काफ़ी फेमस कंपनी है, कनाडा बेस्ड है, चाइना में प्रोडक्शन भी होता है, और इंडिया में भी जो है पुणे वुणे में अभी प्लांट स्टैब्लिश करने की बात चल रही थी, कोविड में पता नहीं अब करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपको जो है वहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छी क्वालिटी की, हर एक मटेरियल जहाँ जहाँ बात की जाए इन टर्म्स ऑफ ब्रांड क्या उठाया गया, उसकी क्वालिटी वगैरह तो अच्छी लग रही है। इनफैक्ट जो टायर है वो भी एक्चुअली डिसेंट टायर यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको अगर साइज़ जानी हो तो 150/60 ZR17 ये टायर है, MRF के टायर जो है उनका इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही में जो है एक नीट बॉडी वर्क है। आपको ऐसा नहीं है कि स्क्रू कहीं ऐसी चीज़ है, काफ़ी नीट अच्छा है। जो पेंट क्वालिटी है वो भी अच्छी है, हाँ प्लास्टिक है मोस्टली, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा वो आपको इस्तेमाल करके मेटल वगैरह दिया गया हो, लेकिन गाड़ी ऑलरेडी काफ़ी हैवी साइड पर ज़्यादा मेटल इस्तेमाल करते तो और गड़बड़ हो जाती। बट एनीवे, रियर से कुछ टेल लाइट यहाँ देख ही पा रहे हो आप, और सीट कंफर्ट चलाने में कैसी है, ओवरऑल चलाने में वो सोफिस्टिकेशन जो है वो फील होता है नहीं होता, वो चलाने के बाद ही बता लेगा। उसमें जो है ज़्यादा कोई कमेंट बाजी अभी की नहीं जा सकती है। अल्ट्रा वॉलेट का लोगो अगर आप भूल जाओ तो हर जगह जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो जी बात यह है कि एक्सपेंसिव तो ये है, बट राइड जब मैं करूँगा तो आपको बेटर बताऊँगा कि वो सोफिस्टिकेशन लेवल राइड में अचीव कर पाए नहीं कर पाए। बिकॉज देखो, मटेरियल सोर्स करना और ये सब चीज़ें करना मुश्किल है, लेकिन कर दिया गया है। यहाँ पे काफ़ी डिसेंट मटेरियल यहाँ पे हैं, और क्वालिटी वालिटी जो है जिन कंपनी से पार्ट सोर्स किए गए वो भी बढ़िया लग रहा है। बट चलाने के बाद ही पता चलेगा कि ये प्राइस में वर्थ इट है या नहीं है, तो उसके कमेंट थोड़े से रिजर्व रखता हूँ मैं। बट ओवरऑल एक्चुअली काफ़ी अच्छा काम किया अल्ट्रा वॉलेट ने, जो इतने सालों से वो कर रहे थे, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ काम तो वो कर रहे थे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो दोस्तों, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।